नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और मेरे चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी विषय का लेसन प्लान लेकर के आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील करता हूं कि वीडियो अच्छा लगने पर लाइक बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ दोस्तों। सर्वप्रथम ऊपर आप पाठ योजना संख्या लिखेंगे, नीचे उस विद्यालय का नाम रहेगा जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य के लिए गए हैं। नीचे आप पांच कॉलम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं यहाँ लिख देंगे, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं यहाँ विषय के नीचे, और जो पीरियड होगा उसको आप यहाँ लिख देंगे और उसकी अवधि को आप यहाँ लिख देंगे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है हिंदी और प्रकरण का नाम है सच्ची वीरता। दोस्तों, तो अब देख लीजिए सामान्य उद्देश्य क्या रहेगा। दोस्तों, सामान्य उद्देश्य में देख लीजिए, बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर दो, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। नंबर तीन, बच्चों को धारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ हिंदी पढ़ना सिखाना। नंबर चार, बच्चों को हिंदी निबंध के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। नंबर पाँच, बच्चों को हिंदी निबंध के माध्यम से उनका चारित्रिक विकास करना। सामान्य उद्देश्य के बाद दोस्तों आएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देख लीजिए क्या है। नंबर एक, बच्चे सच्चे वीर पुरुषों के धैर्य, साहस और स्वाभिमान जैसे गुणों की जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर दो, बच्चे यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि वीर पुरुष किसी भी परिस्थिति में सदैव सच्चाई का साथ देते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आएगा दोस्तों शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। इसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए क्या है, वीर महापुरुषों जैसे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस आदि का चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। सहायक सामग्री के बाद दोस्तों पूर्व ज्ञान। बच्चे का पूर्व ज्ञान लिखेंगे, बच्चे महाभारत की कहानी की सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद आएगा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना में आप तीन कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ बच्चों से प्रश्न करेंगे, नंबर एक, पांडव कितने भाई थे। छात्र बताएंगे पांच, अगला प्रश्न यही बनाएंगे। नंबर दो, पांचों भाइयों का नाम बताओ। छात्र बताएंगे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। अब अगला प्रश्न आप यही बनाएंगे, अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था। छात्र बताएंगे अभिमन्यु। अब अगला प्रश्न बनाइए, अभिमन्यु कैसा पुरुष था। छात्र बताएंगे वीर पुरुष था। अब यही प्रश्न अगला बना दीजिए, वीर पुरुषों के इस गुण को क्या कहेंगे। छात्र मन हो जाएंगे, अब उसके बाद हम उद्देश्य कथन कहेंगे। उद्देश्य कथन में, बच्चों आज हम लोग सच्ची वीरता नामक निबंध को पढ़ेंगे। इस निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। उस समान उद्देश्य कथन के बाद दोस्तों प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में अब देखिए, पाठ छोटा है इसलिए कि अनुमित में हम रखेंगे दोस्तों, और उसमें हम प्रथम लाइन का पहला एक दो शब्द लिख देंगे और अंतिम लाइन का अंतिम शब्द लिख देंगे, जैसे सच्चे वीर पुरुष और नए रंग खिलेंगे। प्रस्तुतिकरण के बाद आदर्श वाचन। छात्राध्यापक कहानी का आदर्श वाचन करेंगे। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन। कहानी का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों आएगा काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में कठिन शब्दों का आप अर्थ बताएंगे। जैसे शब्द और अर्थ दो कॉलम बना लीजिए। और देखिए, तिरस्कार का अर्थ है अपमान, शेखी का अर्थ है हेकड़ी, काफिर का ईश्वर को न मानने वाला, कलाम वाणी, अटक सिंधु नदी, नेपोलियन फ्रांस का महान योद्धा राजा, सतत्व गुण सादगी व सच्चाई से युक्त, शिकस्त पराजय अभिव्यक्ति प्रकट होना, अंतः प्रेरणा अपने मन की प्रेरणा, अरण्य जंगल, बुजदिली कायरता, कुदरत प्रकृति। इसके बाद दोस्तों दो कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। यहाँ बच्चों से प्रश्न करेंगे और फिर उसकी व्याख्या करेंगे। प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में किसके विषय में बात की गई है। छात्र बताएंगे वीर पुरुष। अब अगला प्रश्न बनाइए, पूछिए बच्चों से, सच्चे वीर पुरुष में कौन से गुण होते हैं। छात्र मौन हो जाएंगे, अब आप व्याख्या में बताएंगे। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल तथा आकाश की तरह स्थिर होती है। जब ये शेर गरजते हैं तो इनकी दहाड़ सदियों तक सुनाई देती है और अन्य सब आवाजें बंद हो जाती हैं। अगला प्रश्न, सच्चे वीर किस तरह से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। छात्र बताएंगे प्रेम से। अगला प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से क्या कहा। छात्र मौन हो जाएंगे, अब व्याख्या बताएंगे।
सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी फौज से कहा, अटक सिंधु नदी के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी, भयंकर लहरें उठी हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह ने अपना घोड़ा दरिया में उतार दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार हो गए। अगला प्रश्न, वीर पुरुषों के शरीर में किस ताकत का भंडार होता है? छात्र बताएंगे कुदरत की समस्त ताकतों का। अगला प्रश्न, वीरों का हाल सुनने से दिल में कैसी लहर उठती है? छात्र मन हो जाएंगे, अब व्याख्या बताएंगे। वीर पुरुषों का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार होती है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है। जब हम वीरों का हाल सुनते हैं तो हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आएगा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में हम बच्चों से प्रश्न करेंगे। नंबर एक, सच्चे वीर पुरुषों के दो गुणों को बताइए। नंबर दो, सच्चा वीर बनने के लिए आप अपने भीतर किन गुणों को विकसित करेंगे? नंबर तीन, वीरों की तुलना किससे की गई है? इसके बाद दोस्तों मौन वाचन। छात्राध्यापक छात्रों से मौन वाचन करवाएंगे। फिर मूल्यांकन प्रश्न, कायरों की तुलना किससे की गई है? नंबर दो, तिरस्कार का क्या अभिप्राय है? नंबर तीन, जब वीरों की चर्चा होती है तो शरीर में कैसी लहर उत्पन्न होती है? इसके बाद श्याम पट्टकार। छात्राध्यापक छात्रों से श्याम पट्टकार उतारने के लिए कहेंगे। निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कापियों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद गृह कार्य, लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा है? गृह कार्य के बाद हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, फिर हस्ताक्षर छात्राध्यापक। इसी के साथ ये लेसन प्लान समाप्त होता है। दोस्तों आप लोगों से एक बार पुनः गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों।